एवरीवन, तो जो लोग भी मेरे तरह हैं जिन्हें मेकअप की नॉलेज बहुत कम है, जिन्हें मेकअप की टेक्निक्स नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे ये मेरा फेस बिना फिल्टर के और बिना मेकअप के आप लोगों के सामने है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ जो मेकअप फॉर बिगनर्स होने वाला है। तो गाइज, मेरी स्किन ना थोड़ी सी ड्राई है, तो यहाँ पर मैं हाइड्रेटिंग एक सीरम यूज़ कर रही हूँ। यह है फॉक्सटेल का द मिल्की वे। तो ये काफ़ी हाइड्रेटिंग सीरम है और इंस्टेंटली आपके फेस पे शाइन भी प्रोवाइड कराता है। इसका रिव्यू मैंने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि आपको सीरम यूज़ करते ही आपका फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग एंड हाइड्रेटिंग लग रहा है। थोड़ा सा वेट करना है, सीरम को थोड़ा सा ड्राई करना है, उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप करना है ये सनस्क्रीन। तो गाइस, अगर आप कहीं पर भी दिन में जा रहे हैं या मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं डे में, तो आपको सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये मस्ट पार्ट होता है मेकअप का। तो यहाँ पे सनस्क्रीन लगा ली है अच्छे से, ये भी फॉक्सटेल की है और ये भी काफ़ी हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है। तो गाइस, अच्छे से आपको ब्लेंड करना है सनस्क्रीन को। ये सनस्क्रीन काफ़ी हाइड्रेटिंग है, तो ये 5 to 10 सेकेंड लगाती है ब्लेंड होने में। पर गाइस, इसका जो वर्क है वो एक्सट्रीम लेवल का है। इसका SPF 70 मिलता है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देती है। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी अंडर आइज़ हो चुके हैं, तो मेरे काफ़ी हैं, तो यहाँ पे यार मैं ये कलर करेक्टर यूज़ करूँगी। तो यह है स्विस ब्यूटी का कलर करेक्टर पैलेट। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, ये आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, ये आपको purple.com पे ईज़िली मिल जाएगी। तो गाइस देखिए, मेरे अंडर आइज़ भी हैं और आईलिड पे भी डार्कनेस हो चुकी है, तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ करूँगी। तो और भी जहाँ जहाँ पे आपकी पिगमेंटेशन है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मैं ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी और जहाँ जहाँ पे हमने यहाँ पे कलर करेक्टर यूज़ किया वहीं पे ब्लेंड करना है, इसको फैलाना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसे ब्लेंड कर सकते हैं, आप लोग अपने फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। फिर गाइस, ये जो पार्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग कलर करेक्टर यूज़ करें उसके ऊपर आप लोगों को कंसीलर यूज़ करना है गाइस, करना ही करना है। ये पार्ट पहले मैं स्किप करती थी, इसलिए मेरा फाउंडेशन ना आईज़ के अराउंड बहुत ज़्यादा ऑरेंज बहुत अजीब सा लगता था। तो क्या होता है ना कि हमें अपने बेस को एक जैसा बनाना पड़ता है पहले, फाउंडेशन लगाने से पहले, उसके बाद ही हमें फाउंडेशन लगाना चाहिए। तो देखो, मैं अभी आप लोग के साथ हाफ फेस पे इसे ब्लेंड कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो फेस है जहाँ पे भी पिगमेंटेशन थी, जहाँ पे भी डार्कनेस थी, वो एक जैसा हो गया है, ठीक है। तो आप खुद से ही देखेंगे कि हाँ, अब ये रेडी है फाउंडेशन के लिए। तो आप देखो गाइस, बिल्कुल अब जितनी भी डार्कनेस थी, जितने भी अंडर आइज थे, वो सब अच्छे से यहाँ पे हाइड हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फाउंडेशन का, ठीक है। तो कंसीलर करेक्टर के बाद कंसीलर लगाना ही लगाना है, उसके बाद आपको फाउंडेशन का यूज़ करना है। तो फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है शुगर पॉप का shade number 2 आलमंड। ये काफ़ी नेचुरल फिनिश का फाउंडेशन है, बहुत अच्छे से आपको नेचुरल फिनिश देता है। आप इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है। तो ये गाइस, जो फाउंडेशन है आपको अपने आईज़ के अराउंड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप पहले से ही 2 layers यूज़ कर चुके हैं करेक्टर की और कंसीलर की, तो फाउंडेशन को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेस देखिए कितना हाइड्रेटिंग और कितना नेचुरल फिनिश बेस बन के आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो गाइस, ये जो अब मैं आप स्टेप कर रही हूँ, ये है हाईलाइटिंग करना, यानी कि अपने फेस से 2 tone लाइट आपको कंसीलर यूज़ करना है और अपने अंडर आइज़ पे, आईलिड पे और अपने फॉरहेड पे इसको अच्छे से आपको हाईलाइट करना है। ये आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये आप चाहें टोटली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें करनी है पाउडर सेटिंग। तो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, वैसे आप लोग लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो पाउडर सेटिंग के लिए आपको पाउडर लेना है ब्रश पे और इसे अच्छे से डस्ट आउट करना है। बहुत ही कम क्वांटिटी का यूज़ करना होता है गाइस, वरना वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है। क्यों, हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत भर भर के पाउडर लगा लेते हैं और वो बाद में फिर बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है। तो अगर आपको एक फ्लॉलेस बेस चाहिए तो आपको पाउडर सेटिंग बहुत कम करनी है। तो अगर आप चाहें तो विंटर है तो उसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ अपने आईलाइट को, अंडर आई को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रीम ब्लश लिया है, ये लिप एंड चीक टिंट है जस्ट हाफ का, बहुत ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेड ब्लश है गाइस। इसको आपको ऊपर की तरफ ब्लश लगाना है और बहुत ही प्यारा नेचुरल ग्लो देता है। और मैंने आईब्रो सेट कर ली है और मैं इसे अपने आईलेट पे भी यूज़ करूँगी इसी लिप टिंट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जूडियो की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं, इसका शेड नहीं पता पर बहुत प्यारी सी एक। तो गाइज, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ये है जस्ट हर्ब का
यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा लिप ग्लॉस है और ये पिंक शेड का है, एक न्यूड पिंक शेड जो होता है, इसको मैं अपनी लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। गाइस देखो बहुत ही प्यारा लगता है, आप लोग इसे बिना लिपस्टिक के भी यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे, तो मैं इसको आजकल डेली यूज़ करती हूँ। ये बहुत प्यारी सी कोटिंग देता है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके लिप्स पे रहता है और काफ़ी हाइड्रेटिंग है, तो मैं इसको अपने चीक्स पे भी यूज़ करूँगी, यू नो, एक एक्स्ट्रा शाइन के लिए, एक्स्ट्रा यू नो ग्लॉस के लिए। तो गाइस इसको आपको अच्छे से लगा लेना है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, आप चाहें तो कर सकते हैं वरना स्किप कर देना, और इसको ब्लेंड करना है। फिर मैं अपने आईज पे थोड़ा सा काजल का यूज़ करूँगी, क्योंकि काजल जो है ना वो मेरे आईज पे सूट करता है, वरना आईज बहुत ज़्यादा यू नो बहुत खाली खाली सी लगती हैं। आप लोग अगर लगाते हैं तो लगाना वरना स्किप करना, ठीक है। तो गाइज ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक, आप लोग को अच्छा लगा हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो प्लीज़ लाइक करना। ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है, फिर मैंने ये साड़ी वेयर करी थी और इसमें थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खिंचाए थे, तो प्लीज़ यार बताना अगर अच्छा लगा।